આજે વડોદરાના વગોડિયા ખાતે શ્રી સ્વામી ગોવિંદ દેવગીરી સંસ્કૃત વિદ્યાલય, જ્યાં અત્યારે 40 જેટલા બ્રાહ્મણો નિવાસ કરી વેદ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે। मेरा नाम आचार्य बालकृष्ण दवे है। मैं यहाँ पर प्रधान आचार्य के रूप में सेवारत हूँ। काबरा फाउंडेशन द्वारा संचालित श्री स्वामी गोविंद देवगिरी वेद संस्कृत महाविद्यालय, जो राष्ट्रसंत श्री स्वामी गोविंद देवगिरी जी वर्तमान में जो कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, तो स्वामी जी की अनुकंपा एवं हमारे पूज्य बापू जी की वेद संरक्षण और वेदों की विद्या को अक्षुण्ण बनाए रखने की भावना से सन 2016 में इस विद्यालय की स्थापना हुई। वर्तमान में यहाँ पर सामवेद की कौथुम शाखा एवं शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दनीय शाखा का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। साथ ही संस्कृत माध्यम से गुजरात बोर्ड में के प्रथमा और मध्यमा, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन विषयों का भी अध्ययन यहाँ पर करवाया जाता है। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा संलग्न यहाँ पर ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड, मंदिर व्यवस्थापन, योग इत्यादि विषयों पर डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पर करवाए जाते। छात्रों की संख्या 40 है एवं भारत वर्ष के सभी वेद इच्छुक छात्र इस विद्यालय में अध्ययन करते हैं। विद्यालय में आवास, निवास, भोजन एवं विद्याभ्यास की व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क है। वेद हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल आधार स्तंभ, जिसमें पूरे जनमानस प्रकृति जीव के कल्याण की कामना की गई है और हम सभी को एक साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसर किया है। ऋग्वेद के अनुसार ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनसि जायताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। साथ में चलें, एक साथ मिलकर बोलें, परस्पर एक दूसरे के मनों को अच्छी तरह से समझें। हम सभी के विचार समान हो, हम सभी का चित्त भी एक जैसा हो और इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से को साथ में लेकर कि यह पूरा विश्व हमारा परिवार है। इसी कड़ी में दिनांक 27 दिसंबर 2023 को प्रातः 11 से 12 स्कूल के 50,000 जितने छात्र एक परिवार की भावना से वेद के इस संदेश को लेकर चलेंगे और पश्चात महानुभावों और संतों के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए हम भी सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ईश्वर एक साथ हमारा रक्षण करे, हम सभी का पोषण करे, हम सभी एक ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करें। विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य हमें प्राप्त हो, हमारी बुद्धि तेज हो और हमें किसी से भी कोई भी प्रकार का द्वेष ना हो। इसी भावना के साथ हम भी इस पुनीत कार्य से जुड़ते हैं। धन्यवाद।